नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। स्मार्टफोन आलसी लोग, जी हाँ, ये हकीकत बनती जा रही है और ये हकीकत काफी डराने वाली भी है, क्योंकि इसका शिकार सबसे ज्यादा युवा हो रहे हैं। वो इंटरनेट की दुनिया में इतना खोते जा रहे हैं कि असली दुनिया से कटते जा रहे हैं, साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियों के शिकार भी होते जा रहे हैं। एक ताजा सर्वे सामने आया जिसमें कहा गया कि इंटरनेट का खुमार ऐसा बढ़ता जा रहा है कि लोग टीवी से भी दूर होते जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज और योग व्यायाम भी कम ही कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त बदल रहा है तेजी से, पैर पसारते इंटरनेट के इस दौर में अब कई लोगों की सुबह चाय, न्यूज़पेपर, टीवी या फिर एक्सरसाइज की जगह इंटरनेट से हो रही है। लोग सुबह उठते ही अपने स्मार्टफोन में खो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन आपको बना रहा है आलसी? इंटरनेट में खोया रहता है भारतीय युवा, सर्फिंग और चैटिंग में घंटों मशगूल, दुनिया से कटे और इंटरनेट में बसे। जी हाँ, इंटरनेट हमारी जिंदगी पर इतना हावी होता जा रहा है कि हम असली दुनिया से कटते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा इंटरनेट को दे रहे हैं। ये हाल शहरी युवाओं में कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। एक सर्वे में सामने आया है कि शहरी युवा खाली समय में खेलने कूदने, एक्सरसाइज करने, बाहर घूमने या लोगों से मिलने जुलने के बजाय अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता है। अंग्रेजी अखबार मिंट के सहयोग से मार्केट रिसर्च फर्म यूगव के सर्वे में ये बात सामने आई। सर्वे के मुताबिक शहरों में रहने वाले 50% से ज्यादा युवा हफ्ते में कम से कम 4 घंटे या तो सोशल मीडिया पर चैटिंग या फिर इंटरनेट सर्फिंग में गुजार देते हैं। इस सर्फिंग में पढ़ाई लिखाई या ऑफिस के काम से कोई लेना देना नहीं है। शहरी युवा हफ्ते में 1 घंटे से भी कम समय योग या व्यायाम के लिए निकाल पाते हैं। शहरी युवा टीवी से भी दूर होते जा रहे हैं और वो इंटरनेट पर ही एप्स के सहारे अपने पसंदीदा शो देखते हैं। ये सर्वे एक ऑनलाइन पोल के जरिए हुआ, जिसमें देश के 180 शहरों के 5000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में एक बड़ा सवाल पूछा गया कि खाली समय में क्या करते हैं युवा, इसके जवाब भी देखिए। 58.4% ने कहा कि वो पढ़ना पसंद करते हैं, साथ ही 54.9% ने कहा कि उन्हें इंटरनेट सर्फिंग और सोशल मीडिया पर चैटिंग पसंद है, 40.3% को टीवी देखना पसंद है, लेकिन 46.4% अब इंटरनेट पर ऑनलाइन शो का मजा उठाते हैं, 37.3% ने कहा कि उन्हें योग व्यायाम पसंद है, लेकिन जबकि सिर्फ 29.6% ने कहा कि उन्हें बाहर खेलना कूदना पसंद है। इस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता तो काफी है, लेकिन वो उसे टाइम नहीं देते। ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हाल ही में आए WHO के एक सर्वे के मुताबिक आलस से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसमें बड़ी तादाद में भारतीय शामिल है। सर्वे के मुताबिक 34% भारतीयों में आलस्य के चलते मोटापे, डायबिटीज, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा है। करीब 42 करोड़ भारतीयों को इसका खतरा है। 24.7% भारतीय पुरुष और 43.9% भारतीय महिलाएं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते। इंटरनेट पे पूरी दुनिया मौजूद है, लेकिन इंटरनेट की ओर बढ़ता रुझान सिर्फ सेहत के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि इस पर आने वाले अलग अलग तरह के चैलेंज भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई तरह के अपराध भी सामने आ रहे हैं। बच्चों और युवाओं में बढ़ता इंटरनेट का एडिक्शन यानी लत अब एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, और जिस तरह से स्मार्टफोन और सस्ता डेटा उपलब्ध हो रहा है, इस समस्या पर लगाम लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन फिलहाल मुश्किल जरूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये जो आपका स्मार्टफोन है, जो आपको लगता है कि आपका साथी है, जिसके साथ आप चिपके भी रहते हैं, ये आपकी सेहत बिगाड़ रहा है। आप बहुत बखूबी समझते हैं कि आपके लिए कसरत करना कितना सही है, आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन आपके पास समय नहीं होता है कसरत करने का, क्योंकि आप हमेशा अपने फोन में लगे रहते हैं। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आई हैं। जो खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे आपका तारुफ हम सबसे पहले यहाँ पर करा देते हैं। मेरे साथ हिमांशु है, स्टूडियो में सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। वंदना मेरे साथ जुड़ेंगी, वंदना गुप्ता जो कि एक योगा ट्रेनर है, उनसे बातचीत करेंगे, और डॉक्टर निशा खन्ना जो कि एक मनोचिकित्सक है, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी हमारे साथ अब से कुछ देर में यहाँ पर जुड़ जाएंगी। हिमांशु, जो ये आंकड़े सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट तो कुछ ऐसी है जो बहुत ही आम आदमी से मिलती जुलती है। सही बात है कि जो स्मार्टफोन है उससे हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं। ये स्मार्टफोन जो है वो जिंदगी तो स्मार्ट बना रहा है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है।
जी देखिए, जो उसके साइड इफेक्ट्स की जब हम बात करें, सोशल मीडिया की, स्मार्टफोन्स की, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आदमी अपने अधिकांश समय बिता रहा है, हमने यहीं पे बैठ के एक शो, आपके शो पे बात कर चर्चा करी थी कि इंडिया में जो पहला केस आया था जो सोशल मीडिया एडिक्शन का, जो बैंगलोर का केस तो था। तो देखिए, अब धीरे धीरे जैसे ही जैसे जैसे सोशल मीडिया का युग आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बचपन से लोगों को ये एडिक्शन हो रहा है, बहुत छोटी उम्र से, पहले ये उम्र हुआ करती थी 16 साल 17 साल 18 साल, अब ये घट के आ गई है 5 या 6 साल पे। तो ये समझने वाली बात है कि इस तरह का एडिक्शन हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल को और भी बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि हम क्या समझते हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं, ये लाइक शेयर और फॉलो का युग है। 4 करोड़ 16 लाख लाइक्स लगभग हर मिनट होते हैं फेसबुक के ऊपर। तो अगर हम ग्लोबली सोचें तो आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा समय लोग स्पेंड कर रहे हैं। अगर एक लाइक देने के लिए अगर 1 सेकंड में भी आदमी लेता है, या किसी भी पोस्ट को देखने में कुछ समय लेता है, तो उसका मतलब कितना सारा समय हम जाया कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वो वक्त प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है, कि यूजफुल है कि नॉन यूजफुल है, ये तो अभी बहुत बड़ी एक चर्चा है जो कि चल रही है बहुत सारे हलकों में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ेगा सोशल मीडिया का, चीजें बढ़ेंगी आगे, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होने की तरफ अग्रसर होगी। बिल्कुल, देखिए 180 शहरों में 5000 से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था, और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई वो हमने आपको दिखाया। हिमांशु, शायद इसीलिए जब जब हमने इस तरह के शोज किए हैं तो बार बार ये बात कही है कि ये जो स्मार्टफोन है इसका यूज आपके लिए कितना सही और कितना फायदेमंद हो सकता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और शायद इसीलिए हम इसे करिकुलम में ऐड करने की भी बात करते हैं, क्योंकि आज का युवा जो है वो बहुत बखूबी समझता है कि कैसे उसकी फिंगर टिप पर द एंटायर वर्ल्ड इज अवेलेबल। तो करिकुलम का हिस्सा बनना चाहिए अब मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है हर चीज का। कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है जब अपने एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचती है, जहां से उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उसके कहने का मतलब, जो उसे इक्विप करती है, जो चीज़ें वो बेनिफिशियल होती है सोसाइटी को के लिए, वही से उसके साइड इफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हम जैसे कि स्मार्टफोन्स की बात करें तो वाकई में हर चीज़ एट अ क्लिक पे है, करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन किस हद तक होना चाहिए। जैसे दुबई में सारे स्कूल्स में अलाउड है आप मोबाइल फोन्स रख सकते हैं, और कई सारे स्कूल्स ने तो वहां पे मैंडेटरी भी कर दिया है। और वो ये ऐसा कदम है जहां पे वो सुरक्षित करना चाहते हैं हर विद्यार्थी को अपने स्कूल्स में। लेकिन हमारे इंडिया में कई ऐसे शहर हैं जहां पे घड़ियां भी बैन है, और वहां पे घड़ी भी आप नहीं पहन सकते हो। तो ऐसा कि मतलब अगर आप ओवरऑल सोचिए इस बात को, तो हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ स्कूलों में तो घड़ियां भी पहनना भी बैन है। तो हमें सोचना होगा और पूरी तरह से इसको, उसका एक सरकार को भी आगे आना होगा और समझना होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है इस चीज की हमारे देश में। क्या ये आप उसे उस चीज से लिंक करेंगे हिमांशु, जो हम हमेशा एक बार फिर से बता दूं अपने दर्शकों की बात करते हैं, कि शायद जो टियर 2 टियर 3 सिटीज, इनफैक्ट मेट्रोज ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इवन टूडे वॉट हार्म स्मार्टफोन कैन डू टू देम। देखिए सही बात है, देखिए टियर 1 सिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पे लोग समझते हैं जो भी की चीज फॉरवर्ड हो रही है, जो भी चीज उनके पास आ रही है, सोशल मीडिया कंटेंट जो उनको शेयर किया जा रहा है, वो जरूरी नहीं कि सही हो। लेकिन अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें, जहां धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो बढ़े हैं, और अब जाके वहां पे जो पेनिट्रेशन है वो बहुत हाई हो गया है। तो अब जैसे कि ये पेनिट्रेशन हाई हुआ है तो वो ये समझने लगे हैं, या उनकी पहली अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो कुछ भी शेयर हो रहा है वो सही शेयर हो रहा है, और वो एकदम पुख्ता है, और उसके पीछे ना कुछ रीजन जरूर है कि अगर वो शेयर किया गया है। तो अब इसी से इसके साइड इफेक्ट्स भी रिलेटेड हैं, कि जो भी चीज मेरे पास आ रही है, जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं, जो भी चीज मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, जो भी चीज मैं लाइक कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, वो सारी की सारी एकदम फुल प्रूफ है, एकदम की एकदम जिसपे जो है मैं कह सकता हूं कि इसमें भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यही अब धीरे धीरे ओवर द टाइम ये रियलाइजेशन लोगों को आएगा। अब जैसे हम एट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमें पता लगने लगेगा कि ठीक है ये चीज कंटेंट कहां से क्रिएट किया गया, कहां से ये आ रहा है, तब हमारे लिए उस पर विश्वास करना या उसकी उसको सत्यापित करना, टेस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कुछ समय बाद। हिमांशु, एक और चीज ये है कि इस सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई है वो ये कि देखिए हम लोग जो अपने ऑफिस का काम करते हैं, अपना स्टडी मटेरियल कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके अलावा 4 से 5 घंटे अगर हम स्मार्टफोन को दे रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि हमारे जीवन में शायद
स्मार्टफोन के अलावा कोई और काम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो कि मैंने देखा है और कई बार हमने शोज में भी डिस्कस किया है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं घरों में, और ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है जो जो अलगाववादी सोच आई है आजकल युवाओं में, जो परिवारों में ये जो विभाजन का या कि जो है जो सोच में परिवर्तन का जो ये जो अभाव आ रहा है आपस में रिश्तों में, तो ये सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका निभा रहे हैं। वो ऐसे निभा रहे हैं कि आदमी अपना एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड बना के रखा हुआ है, जिसमें कि वो हमेशा एक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, वो होड़ सी लगी हुई है कि मेरे पास कितने लाइक्स आ रहे हैं, मैं क्या शेयर कर रहा हूं, मैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज रहा हूं, मैं गुड इवनिंग मैसेज भेज रहा हूं कि नहीं भेज रहा हूं। तो वो अपना समय और अपने जितनी भी सोच है उस पर कंसंट्रेट करता रहता है। तो उसमें होता क्या है, वो कई सारी चीजें जो कि वो पर्सनल लेवल पे कर सकता था अपने परिवार में अपने घर में, वो नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है इसी वजह से इसको हम कहेंगे कि ये सोशल मीडिया के बहुत अहम साइड इफेक्ट्स हैं इस समय के। बिल्कुल। देखिए अब ये तो बात हुई यहाँ पर कि कैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो आपका स्मार्टफोन है वो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। मेरे साथ वंदना गुप्ता भी जुड़ गई हैं जो कि एक योगा ट्रेनर हैं। वंदना, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली होंगी जो समझते हैं कि योग उनके लिए बहुत जरूरी है, योग उनकी सेहत में सुधार ला सकता है, मेंटल बैलेंस भी दे सकता है, लेकिन शायद जानना और करना उसमें बहुत अंतर होता है। आपने एक्चुअली जो बात बोली है ना, जानना एंड करना दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन यहाँ जैसे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, वो भी वहीं हमें लेकर आते हैं। सोशल मीडिया हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इट्स अ फर्स्ट, नॉट अ बून, इट इज डेफिनेटली अ बून। ये हमें एक्चुअली बून की तरह ही मिलाएगा, हमें उसको कॉन्शियस तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे कि हम योगा में बात करते हैं कि हाउ टू गेट अवेयर अपनी ब्रेथ के बारे में, बॉडी माइंड एंड सोल के कनेक्शन के बारे में, सो व्हेन यू गेट अवेयर अबाउट ऑल दिस कनेक्शन, ये सारी चीजें हमें चीजें सीधे किसी भी फील्ड में वहाँ लेकर जाते हैं, हमें अपनी कॉन्शियस रखनी चाहिए। ठीक है, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपका माइक अगर हम यहाँ पर थोड़ा ठीक कर दें। एक और मुझे बात बताइए वंदना कि यू नो योगा जो है वो आजकल बहुत सारे स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस ऑलरेडी किया गया है, बच्चों को समझाया जाता है, बहुत कम उम्र से ही उन्हें ये बताया जाता है कि कैसे योगा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, योगा पोजेस कराए जाते हैं, योगा डे भी देश में मनाया जाता है। इन सबके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या योग करने से जो मानसिक परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे क्रिएट हो गए हैं जहां पर यू नो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना टाइम आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए और कितना टाइम आपको एक्चुअली अपने मोबाइल फोन को देना चाहिए। बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से, बैलेंस करना बहुत जरूरी है सब चीजों में? जी बिल्कुल, बैलेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग। अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें, जैसे कि मैंने सुना था कि मेरे आते आते आप बात कर रहे थे कि किस तरह लोग आजकल सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स में बिजी हो गए हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट द स्मार्टफोन, वो तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, टेक्नोलॉजी से हमें एक्सपोजर मिला है तो इसके लिए अच्छी चीज हुई है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि बैलेंस का बड़ा इश्यू हो रहा है यहाँ पर, हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम यूज करना है, कब यूज करना है। हम खाना खा रहे हैं तो फोन हाथ में है, हम डाइनिंग टेबल पर चार लोगों के साथ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है हम यहाँ फिर भी बात कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर बात नहीं कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि चलो अभी इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, लाइक्स कितने आए चेक कर लेते हैं, कॉमेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं, या फिर एट टाइम्स वी गेट सो इन्वॉल्व इन अ फोन, हमें ये नहीं पता होता कि आज हमने खाने में खाया क्या था। अगर कोई हमसे, हमारी मॉम ही हमसे अगर 10 मिनट बाद पूछ लेना कि खाना कैसा लगा, तो शायद हम उन्हें ये टेस्ट तो बहुत दूर की बात है ये भी ना बता पाए हमने रोटी कितनी खाई और खाने में खाया क्या। ठीक है, so अब मुझे ये बताइए कि कौन से वो योगा के 5 आसन है जो किसी को भी रोज करने चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। स्मार्टफोन में घुसना अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने लाइफ में सुबह सवेरे 15 मिनट 20 मिनट देती हूँ, कौन से वो टॉप 5 आसनास हैं जो आप सजेस्ट करेंगी हेल्दी लाइफ के लिए? सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसना, लाइक इट्स नॉट वन आसना, इट्स एक्चुअली 12 आसना का सम्मिश्रण है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार करना बहुत कंपल्सरी जैसा है। साथ में ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, अनुलोम विलोम सबने पता हुआ है, कितने कितने राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार करने हैं, आइडियली 6, और उम्र क्या होनी चाहिए उसमें अगर हम छोटे बच्चों को कराना चाहें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस कि जो छोटे बच्चे हैं
वो किसी भी एज से सूर्य नमस्कार शुरू कर सकते हैं. जैसे उनमें थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, जब वो समझ सकते हैं कि हम उन्हें क्या समझा रहे हैं, तो वो 5-6 की उम्र से भी कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले भी स्टोरी टेलिंग की तरह हमें, जैसे मैं सिखाती हूँ तो स्टोरी टेलिंग की तरह सिखाती हूँ मैं बच्चों को कि हाउ टू डू सूर्य नमस्कार. बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज प्यूबर्टी आने से पहले अगर वो बच्चे करते हैं, बी इट अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड, उनका ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छा होता है. अच्छा. क्योंकि एक बात हम सभी जानते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी काफी आगे आ चुकी है ये बात कि ब्रेन की ग्रोथ प्यूबर्टी के बाद काफी स्लो होती है या नहीं होती है. तो प्यूबर्टी से पहले जो बच्चे अगर सूर्य नमस्कार करते रहेंगे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, बिकॉज उनका ब्रेन ज्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है, वो ग्रोथ ज्यादा अच्छे से हुई है, सो डेफिनेटली दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट थिंग्स. किस तरह को कैसे लेना है, बैलेंसिंग एक्ट जब हम बात करते हैं तो वो आ जाना. बाकी आपने जो बाकी आसनास की बात की है, मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ. स्मॉल स्मॉल आसनास हैं कि आप अगर खड़े हुए हैं तो ताड़ासना कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन पॉस्चर है. अगेन त्रिकोणासना कीजिए, दो पॉस्चर आपने खड़े में किए, दो बैठकर कीजिए. आप एक पश्चिमोत्तासना कीजिए, उसी का ही काउंटर पॉस्चर है पूर्वोत्तासना. अच्छा. वो कीजिए एंड लेट कर शवासना जरूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है. वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट आसन भी बन जाता है शवासन. पता है आपको, वो फेवरेट बन तो जाता है, बट दैट्स नॉट अ स्लीप, दैट्स अ कॉन्शियस स्लीप. और वो बहुत डिफिकल्ट आसना है. मुझे लगता है सारे आसना एक तरफ है और अकेला शवासना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू. हिमांशु, एक मुझे बात बताइए कि क्या ये स्मार्टफोन का एडिक्शन जो पिछले 5-7 सालों में 8 सालों में आपने देखा है, ये जो बदलाव आपने देखा है, आपको लगता है कि हम शायद बहुत अच्छे से ये समझ नहीं पाए हैं इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी दैट ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट बट वी नीड टू बी केयरफुल ऑल्सो इन लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दी स्मार्टफोन्स? बिल्कुल सही बात है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हुआ है. ये एकदम से जैसे मशरूम बड हो जाते हैं, बारिश का सीजन आता है उससे पहले आपको कुछ एक दो मशरूम दिखते हैं, लेकिन बारिश का सीजन आते ही बहुत सारे मशरूम्स एकदम से बड़ हो जाते हैं. तो अगर ये ग्रेजुअल हुआ होता, धीरे धीरे लोगों को पास ये पहुंचता, हुआ क्या, देखिए इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले मोबाइल फोन्स का. तो जैसे ही हमारे पास स्मार्टफोन्स आए, उसके साथ साथ हमें सर्व कर दिया गया फ्री डेटा, बहुत सस्ता डेटा. तो सस्ता डेटा का साइड इफेक्ट क्या हुआ कि उन जगहों पे जहां पे एक्सपेक्टेड था कि ये इंफॉर्मेशन या ये नॉलेज इस समय पहुंचेगी, वो समय से पहले पहुंच गई. समय से पहले क्या, वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए थे स्मार्टफोन्स को कि हमें उसके साथ साथ एक एड ऑन दे दिया गया जो कि था इंटरनेट के यूज में, डेटा के सस्ते जो है दरों पे यूज के रूप में. तो हुआ क्या, तो लोगों को ये समझ आ ही नहीं पाई कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हैं. वो एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई जहां पे हमें ये एक इन्फोर्समेंट की तरह लगा कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं. बिल्कुल. चलिए, हमने आपको ये बताया यहाँ पर कि कैसे सोशल मीडिया जो है उसका सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए. आपका बच्चा है तो आप उसे छोटे उम्र से ही, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत फ्रेंडली होते हैं स्मार्टफोन्स के, सही यूसेज उसे आप जरूर बताइए. साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कैसे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक्सरसाइज उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्मार्टफोन में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि वो समय अपनी एक्सरसाइज को दे नहीं पाते हैं. अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि ये स्मार्टफोन कैसे आपको मेंटली चैलेंज करते हैं, कैसे आपका बहुत सारा समय सिर्फ इन स्मार्टफोन्स में चला जाता है. इस स्टडी से एक बात तो साफ हो गई है कि गंभीर बीमारियों का शिकार भी लोग हो जाते हैं जब वो अपने 4-5 घंटे दिन में सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स में देते हैं. इस स्टडी में ये भी पाया गया कि कैसे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं वीडियोज देखना. अब एक बात तो है, डॉक्टर निशा खन्ना भी मेरे साथ जुड़ है जो कि एक मनोचिकित्सक है. डॉक्टर खन्ना, आप थोड़ा लेट से जुड़ी हैं. हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि कैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है वो मानसिक तौर पर भी हमें कुछ हद तक परेशान कर देता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम इसी फोन को दे रहे हैं. मुझे एक बात बताइए मैम कि अगर मैं कोई यूथ देखूं, कोई ऐसा युवा देखूं जो शायद 10 से 12 साल पहले युवा हुआ करता था और दूसरा वो जो आज की डेट में यूथ है, युवा है, क्या डिफरेंस आप उसमें पाती है मेंटल स्टेट स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो?
देखिए पुराने समय में अगर फोन नहीं था स्पेशली तो हम अप्रोचेबल नहीं थे किसी को इजीली. अब क्योंकि फोन है, फोन में अगर सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी चीजें जिससे हम सामने वाले से कंटिन्यू टच में रहते हैं, उसकी हर एक चीज की इमोशन की खबर होती, सामने वाला क्या कर रहा है, मैं सामने वाले के साथ क्या कर रहा हूँ, मिलो दूर बैठे हैं, इवन नॉट इवन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो आप पर्सन के साथ टच में रह सकते हैं. देखिए इसके फायदे तो है ही, नुकसान आज हम सब फेस कर रहे हैं क्योंकि पास बैठे जो लोग हैं, अगर आप कभी भी किसी डिनर के लिए मैं कहीं जाती हूँ तो आई सी दैट पीपल व्हाट दे आर डूइंग, फोर पीपल आर सिटिंग ऑन द डिनर टेबल, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन देयर फोन्स, दे आर नॉट हैविंग द वन टू वन टच, पर्सनल टच खत्म हो गया है. जो इमोशंस जिसे बोल रहे हैं, जो साथ वाले बगल में बैठे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनके साथ नहीं है, पर जो फोन पर दूर बैठे हैं उनके साथ अटैचमेंट है. और ये लगता है कि हमें हमारे घर वाले तो समझ नहीं सकते, पर फोन पर दूर बैठा इंसान हमें ज्यादा अच्छे से समझ सकता है क्योंकि हम टाइम स्पेंड नहीं करें, हमारा एक अटेंशन स्पैन है. अगर हम अटेंशन स्पैन उस वक्त जो सामने बैठा इंसान है उसको नहीं दे रहे हैं, हम किसी और चीजों में इन्वॉल्व. रही बात, पहले हम बाहर करने के लिए एक्सरसाइज करते थे, आजकल वीडियो गेम्स का एक जमाना था, आजकल मोबाइल गेम्स का जमाना है. आई वुड से जितने भी लोग इंटेलिजेंट, आप कुछ से भी इंसान से पूछे जिसके पास भी थोड़ा टाइम बचता है, चाहे वो हाउसवाइफ्स भी हैं, इवन द प्रोफेशनल्स हैं, उनको टाइम मिलता है वो क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं. उनको लगता है ये टारगेट हमने अचीव कर लिया. और यहां पर हम वीडियो गेम्स सिर्फ घर बैठे खुद ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अपने फ्रेंड्स को एक ग्रुप में इन्वॉल्व करके उनके साथ हम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं. तो आई वुड से आगे वीडियो गेम्स सिर्फ बच्चों के लिए देखी जाती थी, आजकल घर का हर एक बड़ा सदस्य वो गेम्स को स्पेशली डाउनलोड इसीलिए करता है कि वी विल एंजॉय दैट थिंग. बल्कि आगे हम वन टू वन गेम्स खेलते थे, हम बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे, अगर इंडोर में गेम्स खेलते थे तो चेस जैसी गेम जैसे हम आजकल की डेट में जो है फोन पर खेल रहे हैं. तो आप देखिए कि प्रेजेंस ऑफ जो पर्सन की इंपॉर्टेंस है, इमोशनल टच है, वो आजकल है ही नहीं. हम उसको आजकल मोबाइल टच, टेक्निकल टच. और इसी स्टडी में एक और चीज ये पाई गई कि लंदन में जो हाउसवाइव्स होती हैं वो एक दिन में करीब करीब 200 बार अपना स्मार्टफोन चेक करती हैं. किस तरह के मेंटल स्टेट में वो होती हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके. इज इट लैक ऑफ कनेक्टिविटी विद एक्चुअली द रियल वंस हु आर यू नो इन द हाउस बट नॉट इन द हाउस, क्योंकि पढ़ने चले गए हैं बच्चे, हस्बैंड काम पर चला गया है, या फिर उस इम्पोर्टेंस को पाने के लिए वो शायद बार बार स्मार्टफोन की तरफ रुख करती हैं. मैं ये बोलूंगी ये इम्पोर्टेंस को पाने के लिए, कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, स्पेशली हाउसवाइफ्स को किस तरह से देखा जाता है. दे आर लाइक दे आर नॉट वर्किंग वर्थ इट, बिकॉज जो अर्न कर रहा है, जो वर्किंग है उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, वो घर में पैसा ला रहा है. और क्या होता है कि हर एक का बिजी शेड्यूल है. अगर मान लीजिए एक पार्टनर वर्किंग है और एक नॉन वर्किंग, स्पेशली अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करें, तो बच्चे अपने स्कूल चले गए, हस्बैंड काम पर चला गया, या इन लॉज की अपनी एक्सपेक्टेशंस. और आप अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आपके पास बहुत सारा खाली समय होता है. उस खाली समय को हम कंस्ट्रक्टिविटी में ना लगा के उसको अटेंशन सीकिंग में लगाते हैं. बहुत सारे लोगों में अगर आपने देखा हो सेल्फी का जो ट्रेंड है वो ये इसी फोन की देन है. अगर आप देखा जाए तो सेल्फी हर अगर देखे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार सेल्फी खींचते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं. दैट इज व्हाट अटेंशन सीकिंग ट्रेड. जो अटेंशन मुझे घर से नहीं मिल रहा है, इफ सपोज इफ आई एम आल्सो वर्किंग, आई कांट गिव अटेंशन टू माय पार्टनर, आई कांट गिव अटेंशन 24/7 टू माय किड्स. सो आई हैव अ लिमिटेड टाइम, बट दैट टाइम शुड बी क्वालिटी ऑफ टाइम. पर मोस्टली क्या होता है, हाउसवाइफ्स कहती है हमारे पास इनफ टाइम है. उस इनफ टाइम को इंटरेस्टेड हॉबीज में लगा के, कंस्ट्रक्टिविटी में लगा के, फ्रेंड सर्कल को. मेरा ये मानना है हाउसवाइफ्स ही बहुत अच्छा काम कर सकती हैं. व्हाई नॉट दे कैन गेट इन्वॉल्वड इनटू सम द कंस्ट्रक्टिव. इट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बट दे शुड डू समथिंग एंड दे शुड नॉट सोशल वर्क. दे शुड नॉट डू समथिंग, दे शुड नॉट रियलाइज कि उनकी लाइफ वर्थ इट नहीं है. बिकॉज उनको लग रहा है मैं घर में खाना बना रही हूँ, बच्चे का टेक केयर कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट. पर मुझे लगता है वो सेक्रीफाइजल है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर रोल जो है वो हाउसवाइफ्स ही प्ले करती हैं. वो अपने आप में जो सेल्फ वर्थ है हमें उसको मानना चाहिए, वी आर वर्थ इट. अगर हम अपने आप को रोज ये बोलेंगे मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं करती, और घर के चार लोगों ने ऐसा और बोल दिया, तो इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डीपर लेवल पर. डॉक्टर खन्ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब शो के अंत में हम पहुंच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे लोग जो स्मार्टफोन से इस तरह से एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए आलस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है. बहुत आसान होता है सोफे पर या काउच पर लेटकर फोन में वीडियोस देखना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपनी हेल्थ रूटीन को फॉलो करना, वॉक पर जाना, योगा करना. और बहुत सारे लोग जो है गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं. What message would you like to give to such people? And also, क्या mental स्थिति हो जाती है? ये लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद खुद ही समझ में नहीं आता है कि हमें स्मार्टफोन के जाल में फंस गए हैं.
देखिए ये एक एडिक्शन है, ये तो मानना पड़ेगा. और ये एडिक्शन आई वुड से बड़ों से ही बच्चों में आई है, क्योंकि हम बड़े ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, सामने बैठे ना अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. बिकॉज आई वुड से अगर आप अब्रॉड में भी जाए तो 5 साल तक वो बच्चे को स्कूल में ही भेजते हैं. तो बोलते हैं स्कूल ही जो परिवार है, हाउस ही जो है, वो सबसे पहला टीचर है और पेरेंट्स सबसे पहले टीचर है. तो मेरा मानना है हम एज ए एडल्ट अपनी जिम्मेदारी लें ताकि हमारे बच्चे उस चीज को फॉलो करें. तो साथ में जो आने वाली जनरेशन है, बिकॉज अगर कोई भी इंसान सेल्फ इन्वॉल्व है और गूगल पर हर इन्फॉर्म, आज मैं भी आपके आने से पहले भी एक पेशेंट देख रही थी, वो कह रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, उसका सलूशन गूगल से देखता हूं. आई सेड व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल यू विल गेट मोर नॉलेज, बिकॉज ऑलवेज थ्योरी इज डिफरेंट देन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. एंड यू नो व्हेन यू इंटरेक्ट विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, नॉट द गूगल विल टेल यू एवरीथिंग द ट्रूथ ऑफ देयर, देयर आर द बुक्स, बट व्हेन यू इंटरेक्ट विद रियल पीपल यू विल डू डिस्कशन, यू विल गेट द राइट नॉलेज, एंड देन यू विल नॉलेज विल मोर इंक्रीजेबल, एंड देन यू विल गेट व्हाट इज जेन्युइन एंड व्हाट इज नॉन जेन्युइन. बिकॉज बहुत सारी चीजें सदा बुक्स में लिखा जाता है, सदा सत्य बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कंडीशंस अप्लाई होता है, वो किसी बुक में नहीं लिखा जाता. तो अगर ये हमें समझाया जाए कि फोन का यूज करें, उसको एक डिसिप्लिन रूटीन में बनाए, पर उसे अपनी हैबिट को अपनी आदत ना बनाए. अगर जरूरत है, जरूरत के लिए बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, मैरिटल डिस्प्यूट, रिलेशनशिप डिस्प्यूट, हर 10 मिनट बाद ऑनलाइन देखना मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन आए उन्होंने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, दीज आर द मेजर रीजंस ऑफ फाइट्स. बिल्कुल वंदना, एक बात बताइए, यू नो शहरों में बहुत सारा जो युवा होते हैं वो समझते हैं जो मैं आपसे कह रही थी कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये उनका कहना होता है. आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, बहुत जल्दी से बताइएगा, आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती होंगी. जी मैं बिल्कुल मिलती हूँ, इनफैक्ट मेरे पास भी आते हैं, वो बोलते हैं कि आपका क्लास 1.5 आवर का क्यों है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज नहीं हो सकती जो 30 मिनट्स में खत्म हो जाए. तो मैं हमेशा उनसे पूछ लेती हूँ कि आपका ऐसा रूटीन क्या है जो आप 1 घंटा अपने आप को नहीं दे सकते हैं. तो वो हमेशा ये बात कर देते हैं कि ऑफिस जाना होता है, रास्ते में फंस जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, उनके काफी सारे एक्सक्यूजेज रहते हैं. और उसमें से एक मेजर एक्सक्यूज ये भी है कि उन्हें सोशल मीडिया चेक करना होता है, उन्हें गूगल पे, जैसा कि आपने बताया, गूगल पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन. बट एज आई ऑलवेज सेड कि आप उसका स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना बंद मत कीजिए, दिस इज डेफिनेटली अ बून, बट उसको किस तरह कॉन्शियसली इस्तेमाल करना है आपको सिर्फ वो बैलेंस करना है, दैट इज इट. आखिर में ये जो बात भी डॉक्टर खन्ना ने कही, वंदना ने कही, वो सब बातें हैं जो हम इस शो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं हमेशा. एक बार आपसे भी आखिर में यही आपके क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगी. और जिस सोशल मीडिया को हम बहुत बड़ी ताकत समझते हैं, उसका सही इस्तेमाल, जेन्युइन इस्तेमाल आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन छोटी सी बेवकूफी आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है. बिल्कुल सही बात है, हर वो चीज जो शेयर करी जा रही है उसको पुख्ता रूप से ये सुनिश्चित करिए कि वो एट्रीब्यूशन उसका क्या है, कहाँ से आई है, और उसको सत्यापित करिए कि वो सही है कि नहीं है. यूजेज इंटरनेट का एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि मैं कितना, और ये आज हर युवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो इस चीज पे आ गया है और ये सेट करे कि कितना उसको समय अपने सोशल मीडिया फ्रेमवर्क को देना है. आपको ही अपने लिए डेडलाइन सेट करनी होगी. तमाम दर्शकों को ये बात तो आज खैर समझ में आई गई होगी कि हमने आपको अलग अलग पैरामीटर्स पर बताया, मेंटल हेल्थ आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकती है, आपके लिए आपकी एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में, उसकी लिमिटेशन आपको खुद सेट करनी होगी. आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत. नमस्कार.